पहली और आखिरी घटना नहीं। ये चीजें पहले भी हुई, इसके पूर्व वाले सरकारों में भी हुई, वर्तमान सरकार में ये आके बढ़ गई। आज जो BHU है वो शिक्षा का केंद्र ना रह करके RSS और संघ का, BJP का एक्सपेरिमेंटल लैब बना दिया गया है। जो नए बच्चे आते हैं उनके दिमाग में संघी जाल को खोला जाता है, और उसमें मुझे भी ले जाया गया था। मैं उन सब चीजों को फेस करके निकला हूँ, तो मुझे इस चीज की बहुत अच्छी जानकारी है कि BHU में क्या हो रहा है। BHU में GC त्रिपाठी को इसलिए नियुक्त नहीं किया गया कि वो कुलपति बने और BHU की चीजों को देखे। अगर इस नजरिए से आप देखते हो कि वो कुलपति है तो ये आप बिल्कुल गलत नजरिए से देख रहे हैं। उनको इसलिए लाया गया कि BHU में जो 16 शाखाएं हैं वो 36 शाखाएं लगे पूरे BHU कैंपस में, और हर एक लड़का, हर एक जो छात्र है वो चड्डी पहने और उनको संघ में भर्ती करवाया जाए। ये पहला मोटो है संघ का BHU में, और वो एक ऐसा गांव बनाना चाहते हैं, एक ऐसा यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं जहां इंद्रेश कुमार जैसे लोग आकर के, इंद्रेश कुमार जैसे आतंकवादी लोग आकर करके वहां पे प्रशिक्षण देते हैं, लोगों को परगलाने का काम करते हैं। अगर BJP और RSS के लोग आते हैं तो उनको बोलने दिया जाता है। एक यूनिवर्सिटी कैंपस में एकेडमिक बातें जो होती हैं उनमें वक्ताओं की जगह पर वक्ताओं को अगर बुलाया जाएगा तो क्या होगा? BJP के झंडे के तले, भगवा झंडे के तले वहां पर एक सेमिनार हुआ था पॉलिटिकल साइंस में। उसका थीम था कि राष्ट्र के निर्माण में संघ का योगदान। आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि राष्ट्र के निर्माण में संघ का क्या योगदान हुआ था। पिछले दिनों जो घटना हुई है वो इस तरह से हुई है कि लड़कियों का जो बाजी डिमांड था, और ये डिमांड लगातार वहां उठते रहे हैं, ये कोई पहला डिमांड नहीं था, ये आक्रोश पहले से था और ये चल रहा था। उस दिन ये हुआ कि लड़कियों ने प्रधानमंत्री का रास्ता बदल दिया, और जो हमारा BC है वो प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा चाटुकार है, और ये जो लाठियां चलाई गई वो इस तरह चलाई गई कि आपने हमारे प्रधानमंत्री, हमारे आका का रास्ता बदल दिया तो हम आपको बता देंगे कि हम कौन है। ये कोई है, ये जो GC त्रिपाठी है उसके आप प्रोफाइल को चेक कर लीजिए, उसके आप जीवन को देख लीजिए। वो 40 साल से संघ का दलाल है, और वो सिर्फ बदले की भावना से की गई थी, वो पूरा बदला लेने के लिए किया गया था लाठीचार्ज। और कल झूठ होकर के क्या बोलते हैं नेशनल मीडिया के सामने, वो नेशनल मीडिया के सामने बोलते हैं कि नहीं, लाठियां नहीं चली, पूरा देश देख रहा है, पूरा जो देश देख रहा है, सोशल मीडिया पर देख रहा है, मीडिया पर देख रहा है कि लड़कियों को किस बेरहमी से पीटा गया। और उसके बाद इनके प्रवक्ता बोलते हैं कि नहीं, लड़कियों को नहीं पीटा गया है। अरे इससे बड़ा बेशरम कोई आदमी अगर हो नहीं सकता है। अगर सबसे बड़ा बेशरम आदमी है तो आज पूरे इंडिया में 3 लोग हैं।